भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और फिर एक बार हम विजयी होकर बाहर आए हैं। मैं सबसे पहले गुजरात और हिमाचल की जनता को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से और मेरी ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद भी देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि मोदी जी की विकास की यात्रा में उन्होंने अपना भरोसा जताया है और फिर एक बार गुजरात में हमें सेवा करने का मौका दिया है, हिमाचल में हमें विकास की यात्रा में जुड़ने के लिए मौका दिया है। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता के अथाह परिश्रम की जीत है। यह जीत प्रधानमंत्री जी की नीतियों की और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसके गरीब लक्ष्य कार्यक्रम है, इसकी जीत है। मित्रों, ये जीत वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण के ऊपर विकासवाद की जीत है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की जीत है। जब से नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की राजनीति से ये तीन नासूर जो देश के लोकतंत्र पर दुष्प्रभाव डालते थे, एक जातिवाद, दूसरा वंशवाद और तीसरा वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण, तीनों नासूरों को देश की राजनीति से मुक्त करने का एक प्रयास कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात के चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि देश का लोकतंत्र अब लगभग ये तीनों नासूरों से मुक्त होकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नए एरा के अंदर एंटर हो रहा है। जो परफॉर्म करेगा, जो विकास करेगा, जो जन आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, उसी को लोकतंत्र के अंदर जीत मिलेगी। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के 70 साल के बाद हमारा एक लोकतंत्र करवट बदल रहा है और एक नए एरा में, नए युग में हमारा लोकतंत्र प्रवेश कर रहा है और इसका संपूर्ण श्रेय समग्र देश में अब तक जितने चुनाव आए वो सभी राज्यों की जनताओं को भी हम देना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जो मोदी जी के नेतृत्व में अहर्निश परिश्रम कर रहे हैं उनको भी पार्टी देना चाहेगी। जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में 1990 से भारतीय जनता पार्टी चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का हो कभी नहीं हारी। लगातार हम छठी बार वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा वोट प्रतिशत 2012 के मुकाबले गुजरात के अंदर बढ़ा है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी को 47.85% वोट मिला था और 2017 में अभी तक के जो आंकड़े हैं उससे 49.10% वोट मिला है। इसका मतलब होता है इतने घोर जातिवादी प्रचार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन में 1.25% की वृद्धि हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुजरात की जनता का जो विश्वास है इसकी ये द्योतक है। गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से मुद्दों से भटककर पूरे चुनाव को जातिवाद की दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया, पूरे गुजरात को जिस तरह से जातिवादी की आग में झोंकने का प्रयास किया गया, गुजरात की जनता ने उसको विफल बनाया है। उसका भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत आनंद है। एक भ्रांति फैलाकर, मुद्दों से भटकाकर जो प्रयास हुआ था उसका नतीजा यह आया है कि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता हारे हैं, चाहे वो शक्ति सिंह जी हो, चाहे वो तुषार चौधरी हो, चाहे सिद्धार्थ पटेल हो, चाहे वो अर्जुन भाई मोडवाड़िया हो, सारे प्रमुख नेता चुनाव में हारे हैं। ये कांग्रेस के नेतृत्व ने जो आउटसोर्सिंग से चुनाव लड़ने का एक प्रयास किया था इसका नतीजा है। और
आप अगर ध्यान से कांग्रेस का घोषणा पत्र भी देखे होंगे तो जिस राज्य की टोटल रेवेन्यू 70,000 करोड़ है उस राज्य के घोषणा पत्र के लिए सालाना 1,20,000 करोड़ के प्रॉमिस दिए गए थे। 70,000 की रेवेन्यू के सामने 1,20,000 करोड़ के प्रॉमिस दिए थे, फिर भी गुजरात की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है और गुजरात में हम चुनाव जीतकर बाहर आए हैं। पूरे प्रचार के दौरान हर बार प्रचार का स्तर नीचे ले जाने का प्रयास हुआ, अलग अलग प्रकार की जो लोकभोग्य नहीं है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी हुआ, अलग अलग प्रकार से जातिवाद को भड़काने का भी प्रयास हुआ, मगर मोदी जी ने जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत की है, विकास की यात्रा की जो शुरुआत की है, गुजरात की जनता ने इसमें अपना भरोसा जताते हुए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है। हिमाचल के अंदर बहुत बड़े अंतर से हम जीते हैं। जहां तक हिमाचल का सवाल है, 2012 में हमें 38.47% वोट मिले थे और इस बार 48.50%, मतलब 10% की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल की जनता ने मोदी जी का जो हिमाचल के साथ रिश्ता है उसको फिर से एक बार पुष्ट किया है, उसको उन्होंने फिर से एक बार ताजा करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा जताई है और हिमाचल नरेंद्र मोदी जी की विकास यात्रा में जुड़ना चाहता है, ये परिणामों से स्पष्ट होता है। हिमाचल में 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनी है, ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। जहां तक राजनीतिक नतीजों का सवाल है, एनडीए की सरकार बनने के बाद, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश में जितने चुनाव हुए लगातार बीजेपी ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है, अपने जन समर्थन को बढ़ाया है। 2014 के पहले पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की 5 सरकारें थी और एक सरकार में हम साझेदार थे। आज ये दोनों राज्यों के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की 14 सरकारें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और 5 सरकारें ऐसी है जो एनडीए की है जिसमें हम हिस्सेदार है। तो कुल मिलाकर देश के 19 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार बनी, लगभग किसान, गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला और गांव के उत्थान के लिए 106 से ज्यादा योजनाएं लेकर मोदी सरकार आई है और उसी का परिणाम है कि सारी योजनाएं नीचे तक परकोलेट होकर एक प्रचंड जन समर्थन में कन्वर्ट हुई है। देश का अर्थतंत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर के जितने भी रेटिंग देने वाली संस्थाएं हैं वो उसको सर्टिफाइड कर चुकी है और एक विकास यात्रा जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है इसको जहां जहां चुनाव आया जन समर्थन मिला है। आने वाले दिनों में और 4 राज्यों के चुनाव आने हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और कर्नाटक। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में इन 4 राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या हम सहयोगियों के साथ लड़ेंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी की निश्चित जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये 4 राज्यों में सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पवान है। मोदी जी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव जब हम लड़ने जाएंगे तब पूरे देश भर के अंदर ये जन समर्थन हमें एक बार फिर से प्राप्त हुआ होगा। 2014 से 2019 के बीच में वो हमारा हौसला बढ़ाएगा और मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है 2022 का, न्यू इंडिया की कल्पना देश के युवाओं के सामने रखी है, मुझे लगता है कि हम उसको सिद्ध कर पाएंगे। और मैं फिर से एक बार, मेरी बात समाप्त करने के पहले, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने इस चुनाव में अहर्निश काम किया है, दिन रात काम किया है, बिना थके काम किया है, वो सभी का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हृदय से धन्यवाद करता हूं।
हिमाचल और गुजरात की जनता का भी धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती रहेगी और ये आशीर्वाद को हम विकास यात्रा में तब्दील कर देश को 2022 तक बहुत आगे बढ़ाने का और न्यू इंडिया की कल्पना को सच करने का विश्वास के साथ प्रयास करेंगे। यही बात कर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। कोई जल्दबाजी मत करिए, सबका जवाब लेंगे, सवाल लेंगे, हम एक एक करके सवाल लेंगे। विकास भदौरिया, एबीपी। देखिए, चुनाव जीतने की ललक में जिस प्रकार का प्रचार का स्तर होता जा रहा है, जिस तरह से गुजरात में जातिवाद को भड़काया गया, मैं मानता हूं कि इसमें वोट शेयर को भी बढ़ाना बड़ी सिद्धि होती है और मैं ये निश्चित रूप से मानता हूं कि जनता ने हमारे वोट शेयर को बढ़ाकर जन समर्थन को दोहराया है। वोट शेयर कम न होना 22 साल की सरकार के बाद ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जबकि प्रचार इतने नीचे स्तर पर ले जाना, जातिवादी भावनाओं को भड़काना, प्रधानमंत्री के लिए इतने ओछे शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं इसे नीचे स्तर का प्रचार मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में नहीं देखा है। शीला भट्ट, न्यूज एक्स। देखिए, बहुत सारे जीत के भी बहुत सारे कारण होते हैं, हार के भी बहुत कारण होते हैं, साथियों के साथ बैठकर इसकी चिंता करेंगे, मगर जहां तक आप जिस चीज का जिक्र कर रही है उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो दोनों जगह पे हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं, सूरत और मेहसाणा। विकास चंद्रा, सहारा। भैया, 8% का अंतर कांटे की टक्कर नहीं होता। सीट का अंतर ठीक है, मगर पहले आप ये समझ लो कि जन समर्थन हमें 8% ज्यादा मिला है। किसी भी सेफोलॉजिस्ट से बात कर लो, 8% का अंतर बहुत कम अंतर नहीं होता है जी। देखिए, मैंने कहा ना, इसके लिए सीटें कम होने के लिए अगर किसी को जिम्मेदार मान सकते हो तो प्रचार के स्तर को गिराना और जातिवाद को उकसाना, ये दोनों को जरूर मान सकते हैं। अब ये जिसने किया है उसने। महुआ चटर्जी, टाइम्स ऑफ इंडिया। महुआ जी, मैंने आगे कह ही दिया, अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता, आप हिंदी शायद समझ रही है। पॉलमी शाह, इंडिया टुडे। नहीं, कारण बताया मैंने, प्रचार का स्तर जो गिराया और जातिवाद को उकसाया। देखिए, जनता का जो फैसला होता है वो हमेशा हरेक ने सिरोमान्य रखना चाहिए, हम भी रखते हैं। आगे की बात जो तय होनी है वो आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें होगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। देखिए, मैं दो चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा कि हम सरकार भी बना रहे हैं और वोट शेयर भी हमारा बढ़ा है, और आप शायद इतनी बारीकी से नहीं देखे हैं, बहुत सारे एरिया में जो वोट प्रतिशत है उसी दिशा में गया है। अरे, हर एक जीत का अपना एक महत्व होता है। गुजरात में छठी बार जीतना, इतने गलत प्रकार के प्रचार के बावजूद जीतना, मैं मानता हूं बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हिमाचल में दो तिहाई बहुमत के साथ
भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जो लड़ाई लड़ी है उसमें जीत लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है। लीज मैथ्यू, इंडियन एक्सप्रेस। देखिए, हमने पहले ही घोषणा की है, आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, उसके बाद में हमारे प्रवक्ता आपको बताएंगे। रविंद्र सिंह, जी न्यूज। नहीं नहीं, नेतृत्व कौन करेगा वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, मगर जब मैंने 150 कहा तब कांग्रेस इतनी नीचे स्तर का प्रचार करेगी हमें मालूम नहीं था, वरना मैं भी काउंट कर लेता। हिमांशु मिश्रा, आज तक चले सब लोग हंस रहे। इंडिया टीवी, आनंद पांडे। नहीं देखिए, आप देखिएगा सब उसके पहले और बाद में जहां वोट मिला है उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मगर ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं नीचे स्तर के प्रचार की, इसमें कौन से इश्यू पर बीजेपी ने इनिशिएटिव लिया? हमने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, हम तो रिसीविंग एंड पर थे। अगर कोई प्रधानमंत्री जी के लिए इतने ओछे ओछी बात करेगा तो हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे क्या सार्वजनिक जीवन में? हम तो रिसीविंग एंड पर थे। क्या आप मानते हो मणिशंकर अय्यर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनकर बयान देंगे क्या? पायल, रिपब्लिक। एक घंटे तक पटाखे फोड़ दिए थे, 2009 जीते, अभी पंजाब में उपचुनाव जीते हैं, पंजाब में उनकी सरकार बनी है, ये सब जीत का कारण क्या है? चलिए आगे। उषा श्रीवास्तव, पायनियर। भारी नहीं पड़ा है, मैंने कहा 8% का अंतर कोई कम नहीं होता है, 2012 से बड़ा अंतर है। एक मिनट, संजय राय। अरे भैया, आज ही एक स्टेट कम हुआ है। अंतिम सवाल, चल उनके भी साथ ही था। नहीं पूछने तो भाई, अंतिम मत कर। देखिए, 2019 के चुनाव में मैं मानता हूं जिन्होंने जातिवादी प्रचार किया है उनके लिए एक सबक, जाति के आधार पर चलने वाली पार्टियां, डायनेस्टी के आधार पर चलने वाली पार्टियां और एपीसमेंट के आधार पर चलने वाली पार्टियों के लिए सबक है। अगर सबक सीखते हैं तो 19 का चुनाव अच्छे माहौल में होगा, 19 में भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है। दीपाली, सीएनबीसी। वो आप एनालिसिस करते रहिए। प्रकाश सिंह, आप यूपी के चुनाव के वक्त विदेश थे क्या? विदेश थे आप? उत्तराखंड के वक्त विदेश थे क्या?
आज शाम के वक्त विदेश थे क्या? हाँ वो ठीक है भाई, कम हुआ है मैंने कहा ना, मगर हमारी जिम्मेदारी इसलिए नहीं है कि जिस प्रकार का प्रचार का स्तर गिराया गया इसका कुछ तो असर होता है भाई, जातिवाद समाप्त होते होते होगा। हम तो प्रयास कर रहे हैं मगर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कांग्रेस के प्रचार का जो नया सिस्टम बना है जो ऊंचे स्तर की प्रचार को, उसको स्ट्रेटेजी में कंसीडर करना चाहिए, इतना सीखने जैसी बात है इस इलेक्शन से। संतोष कुमार अब इस पर मैं टिप्पणी नहीं करता, इनके साथी ही करने लगेंगे कल से। कल से आप अखबार पढ़ना, जरा इंडियन एक्सप्रेस खास पढ़ लेना। परमी हो गया ना, हो गया जी जी। नहीं देखिए, नतीजों से इस पर कोई असर नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दिशा सही है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नहीं, आप मुझे ये बताइए, ईवीएम का फैसला भारतीय जनता पार्टी का है, हम उसको बदल सकते हैं क्या? अब मेरी टिप्पणी का क्या मतलब है? गवर्नमेंट का नहीं है जी, चुनाव आयोग का है। पॉलमीसा इंडिया टुडे। और हिमाचल में क्या हुआ? नहीं, हिमाचल में क्या हुआ? देखिए ऐसा है कि ये सारी चीजें पूरे देश भर में थी, उसके बाद में हम यूपी भी जीते, हिमाचल भी जीते। सिर्फ जातिवादी प्रचार हिमाचल में नहीं था जो गुजरात में किया। सौरभ तिवारी। चलिए भाई, आप ऐसे सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जवाब दिया जो सवाल पूछे गए। यहाँ पे 2019 के लिए काफी कॉन्फिडेंट नजर आए और उनका कहना है कि जो प्रचार प्रसार की रणनीति अपनाई गई, जो प्रचार के लिए जातिवाद का एजेंडा बनाया गया विपक्ष की तरफ से, वो काफी ओछी चीज थी और 8% से जीत को वो मानते हैं कि बड़ा अंतर है। यहाँ पे कई तरह के सवालों के जवाब दिए और लाखों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद बोला, शुक्रिया बोला। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप जश्न की, जहां पे थोड़ी देर पहले अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल के जवाब दिए, 2019 के लिए बताया जीत तय है और आने वाले चुनाव के लिए भी, त्रिपुरा मेघालय मिजोरम कर्नाटक के लिए भी बताई अपनी स्थिति मजबूत। सीट कम होने की जो वजह थी, उन्होंने कहा कि ये जो जातिवाद और प्रचार का नया एजेंडा अपनाया विपक्ष ने, उसकी वजह से सीटें भले कम हुई हों लेकिन जीत का अंतर बड़ा मानते हैं, 8%, और जनता का विश्वास है, विकास कार्य है जिसकी वजह से छठी बार मौका मिला है। और इसके साथ ही उन्होंने मेंशन किया कि 2012 से वोट परसेंटेज बढ़ा है, यानी तमाम चुनाव प्रचार के बजाय बावजूद भी, विपक्ष के कोशिशों के बावजूद भी वोट परसेंटेज बढ़ा है, उन्होंने इस बात को भी बताया। सभी प्रमुख नेता कांग्रेस के हैं वो हारे हैं, इस बात को भी उन्होंने सामने रखा। और इसके साथ कई सवालों के जवाब में बताया उन्होंने कि प्रचार का स्तर नीचे गिरा है, खासकर जातिवाद और ओछे मुद्दे को उठाकर प्रचार प्रसार की कोशिश की गई है, इस बात का भी उन्होंने
आरोप लगाया। इसके अलावा विकास, अर्थतंत्र, रेटिंग्स की भी बातें कही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को रेटिंग्स से सुदृढ़ता मिली है। इसके अलावा उनका कहना है कि आने वाले चुनावों में भी बीजेपी की स्थिति मजबूत ही रहने वाली है। 2019 के लिए पूर्ण विश्वास जताया है कि 2019 के रास्ते में रोड़े कम हैं, वो जीत की ओर बढ़ेंगे ही। और कई सवाल यही आया जिसका एक ही जवाब था कि वोट प्रतिशत बढ़ा है और